हेलो गाइस, सो आज का गिटार लेसन है गाने का नाम यू बाय अरमान मलिक जी का गाना है। इस तरह का मैं कॉर्ड प्रोडक्शन और प्लकिंग पैटर्न लेसन देने वाला हूँ। सो कैपो इज ऑन द सेकंड फ्रेट और गाने के स्केल है जी मेजर। अगर आप इसका वर्स प्री कोर्स कोर्स पार्ट का प्लकिंग सीक्वेंस याद करेंगे तो पूरे गाने हमें सेम ही प्लकिंग सीक्वेंस का अप्लाई करके जाना है। सो स्टार्टिंग का वर्स मैं आपको पहले करके दिखा दूंगा। ओपन करना है, इसको बोलते हैं ई माइनर कॉर्ड। इस तरह ओपन पकड़ के इसमें क्या करना है, सेम प्लकिंग करना है 6 4 3 6 4 3 6 4 3 6 4 3। अब इस तरह से पकड़ना है फिफ्थ स्ट्रिंग के फिफ्थ फ्रेट में सी रूट नोट में आएगा। इसमें क्या करना है फिर हमें 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3। अब इसी का वोल स्टेप आना हमें सेवेंथ फ्रेट पे और इस फर्स्ट फिंगर का रखना फोर्थ स्ट्रिंग के सिक्स फ्रेट में। अब इसको डी पर जाता है, इसमें हमें क्या करना है डी पे फिर प्लकिंग करना है 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3। स्टार्टिंग का मेन वर्ड्स का कॉर्ड क्या है, जी ई माइनर सी और डी पे अप्लाई करना है स्टार्टिंग के वर्ड्स के पूरे लाइन पे। इस तरीके से All my friends talk about tonight we met, can't remember what I said, but bet it wasn't cool. इसी तरह से आगे फिर से हमें रिपीट करना है इसी कॉर्ड प्रोग्रेशन को। अब आएगा मेन प्री कोर्स। अब प्री कोर्स का आप नोट डाउन कीजिएगा, प्री कोर्स लाइन में हमें फिर क्या करना है उस पर इसी जी रूट नोट से स्टार्टिंग करना है हमें फिर से 6 4 3 6 4 3 6 4 3 6 4 3। अब फिफ्थ स्ट्रिंग का फोर्थ फ्रेट है पकड़ना इस तरीके से। अब इसको बोलते हैं बी। अब इसमें बी में हमें फिर प्लकिंग करना है 5 4 3 5 4 3 5 4 3। फिर सब ओपन करना है हमें ई माइनर ओपन 6 4 3 6 4 3 6 4 3 6 4 3। अब सी पे पकड़ना इस तरीके से फिफ्थ स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट में। अब इस सी पे हमें करना है फिर प्लकिंग 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3। अब इस तरह से पकड़ना है हमें डी पे, उसका डी पे क्या करना है हमें प्लकिंग नहीं करके सिंगल स्ट्रम देके एंडिंग कर देना है। सो इस प्री कोर्स में हमें कॉर्ड क्या करना है, जी बी ई माइनर सी और याद कीजिएगा डी पे सिंगल स्टेम लेके एंडिंग करने प्री कोरस के लाइन पे इस तरीके से। Just like don't fall in love before I know your name, holding out hoping that you feel the same. No, I've never been one for sounding cliché, but it's true. All I do is think about you. So, इस तरह से हमें कर देना है। सो इसमें कोर्स में हमें सेम ही वर्ड्स का कॉर्ड प्रोडक्शन अप्लाई करना है, जी पे सेम करना है 6 4 3 6 4 3, ई माइनर पे सेम करना है 6 4 3 6 4 3, सी पे फिर 5 4 3 5 4 3 और इसी का वोल स्टेप डी पे 5 4 3 5 4 3। सो वर्ड्स का कॉर्ड प्रोडक्शन प्लकिंग अप्लाई करना है कोर्स के टाइम पे भी। All I do is think about you. All I do is think about you. All I do is think about how your leap of faith made me pull out my faith in you. All I do is think about you. इस तरह से मैं अप्लाई करना है वर्ड्स का कॉर्ड प्रोग्रेशन ऑन द कोरस पे भी। सो गाना बहुत ही सिंपल है, आगे पूरा रिपीट कर देना हमें वर्ड्स प्री कोरस और कोरस पार्ट का प्लकिंग सीक्वेंस और कॉर्ड प्रोग्रेशन। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्लेइंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।